आपका नाम? आनंद कुमार विश्वकर्मा। आपके गैरेज का नाम क्या है? गोमिया मोटर वर्क्स। ये गाड़ी जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ये कब खरीदा था आपने? हमने खरीदा था करीबन 75 के आसपास। किससे? ये एक पतरातु के इंजीनियर थे, उन्हीं से लिए थे। आपने इस पर चढ़ा भी है? हाँ हाँ, बहुत चढ़े। कब से ये स्थिति में आ गई है गाड़ी? ये करीबन आज 10-15 सालों से खड़ी है ऐसे। सरकारी स्तर पर किसी तरह का प्रयास आपके आपके यहाँ हुआ है? सब कुछ नहीं। अगर ऐसा प्रयास होता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ अभी है नहीं। अभी हम अगर मान लीजिए कोई सरकारी आदमी आकर कहता है कि इसको म्यूजियम में रखना है या कहीं पर इसको रखवाया जाएगा सब लोगों को देखने के लिए, तो आपका तो क्या बात की बात है? अभी तो ऐसा कुछ करना नहीं है। अभी इसको जैसे स्थिति में आ गई है गाड़ी की, अभी इसको बनाना पड़ेगा। काफी कितना खर्च आएगा लगभग इसमें? खर्च तो अब समझिए कि अब लाखों का हिसाब किताब है। सारा कागजात वगैरह सब आपके पास इसके नाम से है? तो है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गाड़ी जो विदेशी कार थी, आज भी गोमिया में सड़ रही है गैरेज में, उस समय आपको क्या कहना? हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, उसको मैं ठीक ठाक करवा करके और उसको रखवाऊंगा ऐसे जगह में, कोई पार्क वगैरह में, कि लोग इसको देखें। किसी पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चला करते थे गैरेज में। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार सड़ रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो कार है, जो सड़ रही है, उसे किसी म्यूजियम में होना चाहिए, जो कि सरकार को इसे म्यूजियम में रखना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए एक स्थानीय गैरेज में सड़ रही है। इससे काफ़ी दुख व्यक्त किया जा रहा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार आज गोमिया के गैराज में सड़ रही है, क्या कहना है इस संबंध में? ये झारखंड के लिए बहुत दुख की बात है। ये तो ये जो गाड़ी है, ये तो म्यूजियम में रहनी चाहिए थी, और ये हम लोग के बारे में बहुत सोचने बात है, बहुत निंदनीय बात है। इसलिए इस प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो बढ़िया से बढ़िया हो सके उस पर हम लोग हमारे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है, इसलिए सरकार को इसके बारे में अच्छी तरह से सोचनी चाहिए। इसके बारे में जांच पड़ताल करके इसको अच्छी जगह पर इसको रखना चाहिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार गोमिया में सड़ रही है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमें हमारे फील्ड में प्रथम राष्ट्रपति की कार यहाँ पड़ी हुई है और वो सड़ रहा है।
सरकार को चाहिए कि उनको अच्छी से सुरक्षा से रखें और एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उनको म्यूजियम में रखा जाए, जिसे देखकर कल जनता समझे कि हाँ, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति की कार है और सहज के रखा जाए। हमारे प्रथम राष्ट्रपति की कार गोमिया में चल रही है, इस संबंध में क्या कहना? इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ, तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की कार जो पड़ रही है, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर का इस तरह से सड़ना उचित नहीं है। देश में जितने भी वरिष्ठ नेतागण, उनको ये राष्ट्रीय संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए और ये एक मतलब कि इसका जो है सो बढ़िया ढंग से रख रखाव हो, प्रदर्शनी हो, यही कहना चाहता हूँ।